जी नहीं, एकदम नहीं, आए दिन नहीं हो रहा, हमेशा हो रहा है। जब पानी हो रहा है तो पाटलिपुत्र में सजा रहा पानी लग जा रहा है। बिहार के भ्रष्ट नेताओं को एक लालच तो जाना चाहिए कि आप देख लीजिए आपकी सरकार में ये स्थिति है कि शहर भी डूब जाता है। ये पाटलिपुत्रा के लिए शर्म की बात है। हाँ। क्योंकि ये पॉश इलाका है। पटना का नगर निगम इतना मुस्तैदी के साथ काम करता है ना कि नाले का ढक्कन कहीं भी खुला रहेगा उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी। कोई पूछने वाला है ये नहीं कि अब पानी आया, कब से पानी आया, दो घंटा में ये हाल है। शहर से भी बदतर लग रहा है, ऐसा तो गाँव देहात में भी नहीं होता है। गाँव देहात में तो पानी रुकता ही नहीं है और शहर में इतना इतना पानी जमा हो जाता है हर बारिश में। हेल के जाइए, पेशेंट के साथ अपने भी इन्फेक्शन लगाइए, अपने भी भर्ती हुई है। पानी असल जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, निकालने का नाला का सब जगह बंद। पाटलिपुत्रा का हाल ये है, ये खेल का ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते थे। कोई हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया, कोई हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया कि भैया नाले की सफाई बहुत बढ़िया ढंग से हो। सफाई होता तो भैया सामने दिखता ना, ये देखिए। ये है, ये पटना है जिस पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कहा जाता है, उस पटना का हाल ये है। अगर 2019 आप भूल गए हैं तो भूलिए मत, बिहार के नेता आपको याद दिला देंगे कि 2019 जैसा हाल पटना में हर बार हो सकता है। 2024 चल रहा है, 2019 में एक बार पटना पूरी तरीके से डूब गया था और फिर से 2024 में वही स्थिति देखने को मिल रही है। ये पाटलिपुत्रा का पॉश इलाका है जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो हैं, और उस इलाके का हाल ये है, अभी घुटने भर पानी है। ये महज 3 घंटे के बारिश का हाल है, रात में 3-4 घंटे बारिश हुई और उसके बाद पाटलिपुत्रा का हाल ये है। ये खेल का ग्राउंड है जहां बच्चे खेलते थे, आप गाड़ी को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना फीट पानी है, लगभग 2 से 2.5 फीट पानी है। सहयोग हॉस्पिटल बगल में है और भाई साहब लोग, आप लोगों का घर यहीं पे है? हाँ जी, घर बहुत ही ज्यादा पानी यहाँ पे, हम परेशान है। परेशान हो गए, बहुत ज्यादा रास्ता है, एकदम बहुत ज्यादा परेशानी हुआ है। बाढ़ वाला मजा दे रहा, स्विमिंग पूल है। और भी तो होता ना काम ना, पेशेंट को हॉस्पिटल में। जी हाँ, हमें हॉस्पिटल में पेशेंट को आना जाना ले जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जी हाँ, सेफ हॉस्पिटल में। पेशेंट कैसे आ रहा है जाना? उसी तरह से आ रहा है, स्टेशन से लाया जा रहा है, खींच के लाना पड़ जाना। जी हाँ, कितने घंटे बारिश हुई है? 3 ही घंटा हुआ मतलब। हाँ, रात की बारिश, रात के बारिश, रात को यहीं थे या कहीं और? नहीं, हम लोग तब स्टाफ थे, यहीं पर थे। आप देख रहे थे किस तरीके से पानी हाँ धीरे धीरे बढ़ते गया। 19 का याद आ रहा है जब? हाँ हाँ, उस समय का भी याद है, उस समय किसी तरह आया था। भूल गए थे धीरे धीरे, भूल गए थे, 4-5 साल हो गया था तो भूल गए थे, फिर याद आ गया, फिर याद आ गया। क्या लगता है ये क्यों पानी यहाँ जमा हुआ है? बाढ़ का तो पानी है ना, पानी बाढ़ का पानी असल जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, निकालने का नाला का सब जगह बंद। नाला का खूब सफाई हुआ है, सफाई हुआ लेकिन कहाँ, यही तो देखे ना, जाम है पूरा लगा हुआ है, इसमें कहाँ गया, पूरा जाम तो यही है। मैं तो पूरे कॉलोनी पूरे है, पाटलिपुत्रा गोसाई टोल है पूरा, सब जगह यहाँ भी है सब। ये तो कौन दोषी है? दोषी तो किसको दीजिएगा, तो आप दोषी हैं? हम लोग तो दोषी नहीं है, जो देखता है उसका, जो देखेगा वही दोषी है ना। सरकार, नगर विकास, सरकार ने नगर निगम बना के दिया दोषी है। नगर विकास मंत्री, बिल्कुल जी हाँ सर, नितिन नवीन मंत्री हैं उन। जी हाँ हाँ, उन्हीं का दोषी। अच्छा, कोई आया कि नहीं, कोई व्यवस्था देखने? कोई नहीं अब तक। कितना बज रहा है अभी सर? 12 होने को है अभी तक, लेना एक भी आदमी जो है आया नहीं। हाँ, कोई हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया, कोई हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया कि भैया कुछ नहीं आया। तो ये स्थिति यहाँ की है। ये पाटलिपुत्रा गोलंबर से जब आप आगे बढ़ेंगे साईं मंदिर की तरफ, और जितनी भी कॉलोनी है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, 2 से 2.5 फीट पानी है। और चलने में ये भी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा कि कहाँ नाले का ढक्कन खुला हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। कब से है? हम लोग तो 5-6 साल से हैं। 19 की बारिश में हम लोग थे यहाँ पे, इससे ज़्यादा बुरा हाल था, लेकिन अभी ऐसा नहीं था कि पानी हो जाए, लेकिन इस बार हो गया। 3-4 घंटे के बारिश में इतना पानी हो गया। तो मतलब बारिश तो हो गई। ये पाटलिपुत्रा के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये पॉश इलाका है और पाटलिपुत्रा सोसाइटी के लिए शर्म की बात है कि यहाँ बड़े लोग रहते हैं। उसके बाद ही अगर ये स्थिति है तो गरीबों का क्या होगा, सोचिए। राजीव नगर का क्या होगा, जो नीचे वाले एरिया है उसका क्या होगा, जब अमीरों का ये हाल, गरीबों का क्या होगा, सोचिए। अभी तक कुछ नहीं देख ही रहे हैं आप, कहीं कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, बस वही देखिए कैसे गरीब लोग जा रहे हैं, इस लेबर लोग। मान ले कोई गिर जाए, कोई हेल्प सुध लेने वाला ही लोग, कोई सुध लेने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक कितने नाले का ढक्कन खुला याद है? तो दिखेगा, याद थोड़ी कोई किया हुआ है। हाँ, 20 तो होइबे करेगा ढक्कन। पता चलेगा, ना ना, कोई पूछने वाला है ये नहीं कि
कब पानी आया, कब से पानी आया, 2 घंटा में ये हाल है बताइए पाटलिपुत्रा का। अभी तक ना यहाँ कोई समरसेबुल आया ना कुछ है, कैसा इसका लाइन रास्ता कुछ भी किया जाए कि हाँ पानी जल्द से जल्द यहाँ से। कहा गया था कि नाले की सफाई बहुत बढ़िया ढंग से हो रही है। सफाई होता तो भैया सामने दिखता ना, ये देखिए सफाई सामने दिखते रहे। बारिश कितने बजे खत्म हो गया था? बारिश तो अब 2 बजे यही 2 घंटा के बाद खत्म हो गया, 2-2.5 घंटा 4 बजे मान के चलिए खत्म हो गया था। 4 बजे सुबह में बारिश खत्म हुआ, 12 बजने को है अभी तक पानी निकला नहीं। नहीं नहीं अच्छा कम हुआ है कि नहीं, नहीं पानी? थोड़ा बहुत भी कम नहीं हुआ अभी, जितना था उतना जी उतना ही है सुबह से देख जी। हम लोग तो रात से देख रहे हैं, सुबह से क्या रात से ही देख रहे हैं कि पानी निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पाटलिपुत्रा के नगर निगम है वो जो चाहेंगे वही हो। पटना में है नहीं ऐसा तो लग नहीं रहा है, लग रहा है हम लोग गंगा जी के तीरे हैं जो भी है वही। यहाँ से महज 3 किलोमीटर हो गया, हाँ फिर भी ये लग रहा है कि इससे अच्छा गंगा जी के जो घाट है वहाँ पे अच्छा है, जो मरीन ड्राइव आपका है आसपास इलाका। अब बताइए ये पाटलिपुत्रा ग्लम्बर के हाल ये है, सहयोग हॉस्पिटल के सामने देखिए वही हाल है क्या, पेशेंट के हम लोग कितना दिक्कत हो रहा है। ये हॉस्पिटल का किस पे? स्ट्रेचर पे। अच्छा स्ट्रेचर पे, ये सहयोग हॉस्पिटल है, बहुत नामी हॉस्पिटल भी है और इसकी स्थिति आप देख लीजिए एक बार कि ये है, ये पटना है जिस पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कहा जाता है, उस पटना का हाल ये है कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 फीट पानी जो है वो है। भाई साहब बहुत बचते बचाते हुए आ रहे हैं, ये गाड़ियों की स्थिति देख लीजिए, इनका टायर जो है वो पूरी तरीके से पानी में है। जो इधर मकान है वो मकान वाले परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में पानी जा चुका है। कहाँ से आ रहे हैं भैया? कैसा हाल है आगे? इसी तरह हाल है पूरा पाटलिपुत्रा, हाँ हर जगह ही पानी है, हम तो यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि शहर है ये? शहर से भी बदतर लग रहा है, ऐसा तो गांव देहात में भी नहीं होता है। हाँ। गांव देहात में तो पानी रुकता ही नहीं है। हाँ। और शहर में इतना इतना पानी जमा हो जाता है हर बारिश में ही, हर बारिश में पानी हो जाता है। तो कौन दोषी है? यहाँ की सरकार दोषी है। सरकार दोषी है, सरकार कहती है लेकिन करती नहीं, नहीं। हाँ। नाली अच्छे से बनवाई होती तो ये आदत नहीं होती। आपने किसी को देखा क्या, कोई आया बड़े अधिकारी आए देखने ऐसे जाँच? अभी तक तो नहीं दिखा हमको, दिखा ही नहीं। नहीं आप यहीं पे रहते हैं तो ये स्थिति भी है कि अभी तक आपको यहाँ पर कोई दिखेगा भी नहीं, नगर निगम से भी कोई एक भी गाड़ियाँ अगर आप दिखाया जाए, एक बार कैमरा को मूव करके दिखाएं कि सड़क किनारे आपको एक भी नगर निगम की गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी। 12 बजने वाला है और कोई सहायता नहीं है, छटपटा रहा है पेशेंट, किसी का कोई मतलब नहीं लगा हुआ सरकार को, सिर्फ और सिर्फ देख तो रहे हैं नरक बन के रह रहा है पाटलिपुत्र एकदम इलाका। हाँ। समझे? उम्मीद था कि शहर में इतना पानी जी नहीं, एकदम नहीं। हाँ। आए दिन नहीं हो रहा, हमेशा हो रहा है। हाँ। जब पानी हो रहा है तो पाटलिपुत्र में सजारा पानी लग जा रहा है, इसको व्यवस्था करके रखना चाहिए था। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, देखिए तो है स्मार्ट सिटी है। दोषी क्या कहा जाए, दोषी यहाँ का सरकार है, सरकार है जो कि इसको करना चाहिए था, पानी निकलने का कुछ साधन करना चाहिए था। अच्छा नगर निगम की गाड़ियाँ दिखी कि नहीं? अभी तक तो हमको नहीं दिखी, हम तो अपने पेशेंट नहीं सर, नहीं अपने पेशेंट लेकर के भर्ती है 2 दिन से। हाँ। कुछ भी अच्छा, सामान लाना रहता है भर्ती। हाँ भर्ती है। हाँ। सामान लाना रहता है, कुछ दवा हुआ कुछ भी लाना रहता है तो कुछ तो है, सहयोग वाला बहुत आदमी हेल्प किया है, दवा रहता है अंदर में, लेकिन कुछ मान लेते खाने पीने का, खाने पीने का चीज के लिए तो हेल के जाइए, पेशेंट के साथ अपने भी इन्फेक्शन लगाइए, अपने भी भर्ती होइए। हमको अपने चोट लगा हुआ है तो अपने लंगड़ा लंगड़ा के जा रहे हैं। ये पानिया जो है वो इन्फेक्शन फैला सकती है, पूरा बीमार करेगा आदमी। ये देखिए ये सामने एक तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बाबा जो है वो दूध लेकर आ रहे हैं या दूध देने गए होंगे कॉलोनियों में, तो ये स्थिति है। एक बार आप दिखाइए कि घुटने भर पानी है और ये पटना की स्थिति है, पाटलिपुत्रा गोलंबर की स्थिति है, जिस पाटलिपुत्रा गोलंबर के आसपास पाटलिपुत्रा कॉलोनी में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, जज, अधिकारी सब रहते हैं। उनके कॉलोनी की स्थिति ये है, जहाँ पर गरीब रहते होंगे उनके कॉलोनी की स्थिति क्या होगी ये भी आप सोच लीजिए। ये तस्वीर है पाटलिपुत्रा कॉलोनी की, एक बार देख लीजिए किस तरीके से ये जो गाड़ी सामने आ रही है किस तरीके से
पानी पार करते हुए ये आ रही है। ये तस्वीर है कि आप किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे कि, और सबसे बड़ी बात कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ नाला का ढक्कन खुला हुआ है और कहाँ नहीं। अजय आप बचा कर रहिएगा क्योंकि कहीं भी नाले का ढक्कन खुल सकता है, खुला भी होगा क्योंकि पटना का नगर निगम इतना मुस्तैदी के साथ काम करता है ना कि नाले का ढक्कन कहीं भी खुला रहेगा उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी। और ये तस्वीर पाटलिपुत्र गोलंबर की है कि देख लीजिए किस तरीके से, 19 को आप भूल नहीं पाइएगा, 19 में जो बदतर स्थिति थी पटना की वही स्थिति हाल में ही है। और ये पाटलिपुत्र गोलंबर ये बयां कर रहा है कि बिहार के भ्रष्ट नेताओं को एक लालच तो जाना चाहिए कि आप देख लीजिए आपकी सरकार में ये स्थिति है कि शहर भी डूब जाता है सिर्फ बारिश के पानी से। अगर 3 घंटे बारिश हुई है तो ये स्थिति है, अगर 10 घंटे बारिश हो गई तो फिर पटना पानी में तैरता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।